और ने किया भी हो। क्या मैं सही कह रही हूँ? यही तो जाने हमारे साथ तुम्हारी किस्मत रही है। अरे जेल में आने से पहले तुम्हारा सारा इंतजाम कर दिया। आपको पुलिस डिपार्टमेंट ने अप्रिशिएट किया जो कुछ मॉम, जैसे आपको नहीं लगता डैड ने करियर चूज करने में थोड़ी सी गलती कर दी? क्या उनको इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में होना चाहिए? हेलो बेटा, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक बेटा। तुम्हें और सिर को बहुत मिस करते हैं। तुम लोग यहाँ वापस आ जाओ ना, डैड भी बहुत मिस करते तुम्हें। मामा, मैं आपको फोन करने ही वाली थी, मोहन चाचा जी के प्रोजेक्ट के बारे में बता रही थी। फाइनली वी हैव टेकन इट अप। दैट्स वेरी गुड बेटा। जी मामा, वो बहुत मेहनत कर रही है और अगर ये डिजाइन अप्रूव हो जाते हैं तो मोहन चाचा जी को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। दैट्स वंडरफुल बेटा। यही है, एक मिनट बात कीजिए। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू आंटी जी। वैसे इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है। कोई प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हुआ है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, बहुत अच्छा करोगे। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। ऐसे सच पूछे तो मुझे अभी भी यकीन नहीं होता है कि भगवान ने मुझे इतना बड़ा मौका दिया है। परदेश में तो मैं अपना सारा आत्मविश्वास खो चुकी थी। वो तो मेरी बात है सुनो, अब बस अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करो। रणवीर को लेकर जो तुम्हारे मन में डर है ना, उसे निकाल दो। अब तो तुम्हारी जिंदगी से वो बहुत दूर जा चुका है। जा चुका है? जी, मैं कुछ समझी नहीं। यस बेटा, मुझे पता है रणवीर हैज बीन अरेस्टेड इन अ क्रिमिनल केस। वो जेल जा चुका है। रणवीर जेल में है? He's out of your life now. बस अब अपने काम पर ध्यान रखो। And concentrate on making it better. जी आंटी। ओके बेटा, यू टेक केयर। और हाँ, आशा से कहना मुझे बाद में फोन करें, वो शायद अभी बिजी होगी। ओके बाय बेटा, आई विल डू दैट। बाय। हाउ इज दिस? दिस इज नाइस, लेकिन मुझे
अभी कोई अजूबा नहीं है, है ना? एग्जैक्टली मैम, अमेरिका में इतनी ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, इसीलिए तो क्या बेवकूफ बनाने के लिए हम जैसे गांव के सीधे साधे लोग ही मिले थे। माना कि तुम अमेरिका से आए हो और हम ठहरे गवार, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हम लोगों का मजाक उड़ाते फिरो। तुमने जो जो भी अमेरिका के बारे में पूछा वो मैंने तुम्हें सच सच बता दी। आई एम सॉरी, मेरी मिस्टेक। अमेरिका में हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, मैं तो कहता हूँ ढूंढने से भी नहीं मिलती। आज देख सकते, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती? सब जानती हूँ मैं कि अमेरिका में बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, हर जगह पे, जैसे न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो एंड व्हाट्स अप वाशिंगटन में भी। और नहीं तो हम यहाँ टीवी पर सारी दुनिया देखते हैं। तो तुम्हें लंदन की हाई राइज बिल्डिंग्स के बारे में भी सब मालूम होगा। लंदन यूरोप में है, अमेरिका में नहीं। मुझे मालूम है, इस बार मैं तुम्हारा टेस्ट लेगा, लेकिन तुम फिर बुरा मत मान जाना प्लीज। अच्छा, और अगर हो गई तो नहीं आ रहा है तो हमें बताओ। मैंने 5 साल पहले बाबू प्रताप सिंह से 10,000 रुपए कर्जा लिया था, पक्का याद है? प्रताप का मुनीम वही खाता दिखाकर कह रहा है अभी तक पूरी रकम बाकी है। इसे तो कुछ हिसाब किताब मालूम नहीं। सब गांव वालों को उनकी रकम बता दो, सूद समेत 1 महीने के अंदर अंदर जमा कर दी।
पिछले 30 साल में किसी की हिम्मत नहीं थी कि दूध लाया भैया के लिए। सिद्धांत भैया, सिद्धांत भैया, सिद्धांत भैया, सिद्धांत भैया कहाँ खोए हुए हो? कुछ नहीं। कर्जे की रकम अदा कर रहे हैं लेकिन असल भैया तो इस गाँव के लोगों की परंपरा है। अगर हम सारे गांव वालों को अच्छी तरह से पढ़ लिख लेंगे तो यहाँ पे सब कुछ ठीक हो सकता है। लगा है कि वो उस राकेश के लड़के हैं जिसकी शादी उसके पहले नहीं कर पाई। जैसे कुछ नहीं किया।